नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बीजेपी सांसद बृजभूषण सरन सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें 18 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा और बीते साल जून में दिल्ली पुलिस ने इस केस में चार्जशीट दाखिल की थी। बता दें कि कुछ नाबालिग महिला खिलाड़ियों ने बृजभूषण सरन सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में पॉक्सो के मामले में नाबालिग द्वारा अपनी शिकायत वापस लेने के बाद दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान दर्ज कैंसिलेशन रिपोर्ट पर दाखिल की थी। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट ने शिकायतकर्ता के बयान और दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला सुनाया था। ऐसे में क्लोजर रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता नाबालिग पहलवानों ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। अब ऐसे में जिस तरीके से बृजभूषण सरन सिंह इन सारी चीजों में फंसते हुए नजर आए, अब ऐसे में जो उनका राजनीतिक कैरियर पर जो एक दाग लगा, कह सकते हैं कि उससे बीजेपी अब बसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें बीजेपी ने जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों का इस बार चुनाव किया है, ऐसे में कहा जा सकता है कि बृजभूषण सरन सिंह का भी नंबर नहीं आने वाला। अब ऐसे में बृजभूषण सरन सिंह कहीं ना कहीं अब दूसरी पार्टियों की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में सपा जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनको टिकट देते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने सारे विवादित प्रत्याशियों से पल्ला झाड़ा है, ऐसे में सपा की निगाहें उन प्रत्याशियों पर टिकी हुई है और वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के जो सांसद हैं वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। वैसे में अटकलें लगाई जा रही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि बृजभूषण सरन सिंह सपा पार्टी में ज्वाइन होते हुए दिखाई दे। अब ऐसे में ये देखना होगा, क्योंकि जो तरीके से बृजभूषण को टिकट नहीं मिला, वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं और पार्टी भी कहीं ना कहीं उनकी इन सारी गतिविधियां जो उनकी पुरानी हुई थी महिला पहलवानों को लेकर, बीजेपी भी उससे बसती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में जो यूपी की सियासत है, कहीं ना कहीं फिर से इसमें एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। अगर बृजभूषण सरन सिंह सपा ज्वाइन कर लेते हैं तो कह सकते हैं कि बीजेपी को एक बड़ा झटका तो नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से उनको अभी बचाते हुए आई है इन तमाम महिला पहलवानों के मामले में देखा गया, और तमाम मामलों में उन्होंने बहुत विवादित बयान भी दिए थे, बीजेपी ने उनको कभी पार्टी से निष्कासित करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन बीजेपी ने उनको आगे बढ़ाकर टिकट देने के बारे में भी नहीं सोचा। अब ऐसे में देखना होगा कि अगर बृजभूषण सरन सिंह अपनी भविष्य को बचाने के लिए किसी और पार्टी का सहारा लेते हैं तो ऐसे में भाजपा के लिए हो सकता है बड़ा झटका लगे, क्योंकि जिस तरीके से बृजभूषण सरन सिंह अब टिकट को लेकर कहीं ना कहीं उनमें खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। बीच में अटकलें लगाई जा रही थी कि उनको और उनकी पत्नी में से किसी एक को टिकट दिया जा सकता है या उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है। अब ऐसे में जिस तरीके से अभी किसी को टिकट नहीं मिला है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर सपा अपने दरवाजे बृजभूषण सरन सिंह के लिए खोल देती है तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो वहां पर जाते हुए नजर जरूर आएंगे। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है कि बृजभूषण सरन सिंह क्या सपा ज्वाइन करेंगे या फिर बीजेपी में ही एक आम कार्यकर्ता की तरह कार्य करते हुए नजर आ सकते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।